हमारे दोस्त कितने टैक्टफुल हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। चलो हमें भूख लगी है ना, चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने सोचा था वही है। मुझे लगा आपको ये पसंद आएगा। बेफ्त्रोगानव, इसकी खुशबू और अपीयरेंस काफी अच्छा है। ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है। तुम्हें कैसे पता कि ये हमारे लिए स्पेशल खाना है? ये तो हमारा सीक्रेट है, इसे सीक्रेट ही रहने दीजिए। हम हमारे दोस्तों और गेस्ट को खुश करना जानते हैं। आप डिजर्ट के लिए पेट में जगह बचा कर रखिएगा। मैंने मोलासेस डालकर पुडिंग बनाई है क्योंकि मुझे पता है मिसेस हैकर कैसरी से हैं। हमारे घर का खाना, हमारे परिवार की यादें ताजा हो गई, दोस्तों के मुस्कुराते चेहरे सामने आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। यूरी, मुझे बहुत खुशी हुई तुम यहाँ लाए। मुझे लगा था कि फिर से तुम्हारी कोई बोरिंग बिजनेस मीटिंग होगी। ये क्या हुआ? लगता है लाइट चली गई। माफ कीजिए, बस एक मिनट में वापस आते हैं हम लोग। यकीन नहीं हो रहा ये आज ही हुआ। हमारी सारी तैयारी बर्बाद हो जाएगी, पर ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे उन्हें बोट पर ही ले जाना चाहिए था, मेरे ख्याल से वही ठीक रहता। वो जरूर बोर हो रहे होंगे, मैंने उनसे कहा था कि हम अभी आते हैं। बिना किसी वजह के परेशान मत हो, जो होना था वो तो हो चुका है, हमने अपना बेस्ट किया है। बस आज की रात बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाए। अब जब लाइट चली ही गई है तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। पियानो,
हमें अमीर को बताना चाहिए। हम दोनों जानते कि मेरे भाई ठीक कैसे होंगे। बताना तो चाहिए, पर हमें बहुत केयरफुली उसे बताना होगा, क्योंकि अमीर अभी ठीक नहीं है। हम सब परेशान हैं, हम सब दुखी हैं, पर मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें नहीं मरने दे सकती। अगर आप चाहें तो मैं अमीर से बात करती हूँ। मैं उसे बता दूंगी। मुझे जल्द से जल्द बात करनी ही होगी उससे। वो बहुत खुश है ना? वो दोनों अपने कमरे में और अभी सो रहे होंगे। अब तो तुम खुश हो ना? यूरी को अपने परिवार का बहुत ख्याल है, तुमने कर दिखाया। अब अग्रीमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बात है, तुम ये सब अग्रीमेंट के लिए ही तो कर रहे थे, और अब ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम क्या थोड़ी देर के लिए बैठोगी? मैं जब तुमसे मिला था तो मुझे लगा कि तुम वेटर हो, फिर मुझे पता चला कि तुम इलीगल इमिग्रेंट हो, और फिर मैंने जब तुम्हें पोर्ट पर एक गन वाले आदमी के साथ देखा तो मुझे लगा तुम किसी इलीगल एक्टिविटी में हो। तो आखिर तुम कौन हो? तुम मुझ पर कब भरोसा करोगी? तुम मुझे अपनी असली कहानी कब बताओगी? जो तुम मुझसे छुपा रही हो वो सब जानना चाहता हूं। बात करनी होगी, क्योंकि ये तुम्हारे डैड की कंडीशन के बारे में है। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारे डैड की कंडीशन ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टर से भी बात की थी, उन्होंने भी यही कहा है। वो जानबूझकर खाना नहीं खा रहे हैं। क्या कह रही हैं? क्या मतलब वो जानबूझकर खा पी नहीं रहे? क्या मतलब है इसका? हम इसे डिप्रेशन कह सकते हैं। वो हमें एक मैसेज दे रहे हैं। वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो अब जीना नहीं चाहते। ये एक सुसाइड की तरह है। वो खाना छोड़कर सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। वो कमजोर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से उन्हें स्ट्रोक आ सकता है, और जल्द ही ये मेडिसिन भी काम नहीं करेंगी। क्यों? क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो ठीक होने के बजाय मरना क्यों चाहते, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि सिर्फ उनका शरीर ही नहीं, उनके इमोशन भी पैरालाइज हो गए हैं। कैसे? शायद वो अब जीना नहीं चाहते हैं। डिनर बिल्कुल तैयार है। मिस सोहेला, आप डिनर के लिए रुकेंगी है ना? मॉम, एक मिनट रुक जाइए। सोहेला आंटी मुझे डैड की कंडीशन के बारे में कुछ जरूरी बात बता रही है। हाँ, आप कह रही थी वो जीना नहीं चाहते।
बैठ जाओ आमिर, बैठो। मुझे पता है कि तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। फैमिली फ्रेंड होने के नाते मैं ये नहीं कहना चाहती, पर एक डॉक्टर होने के नाते मैं कह रही हूं। तुम्हारे पापा के जीने की एक ही वजह है अब, और वो देहान है। रेहान को इस घर में वापस आना होगा, तुम्हारे पापा के लिए आना होगा। मॉम, ये आप क्या कर रही हैं? आप सब बर्बाद कर देंगी। ये पॉसिबल नहीं है। पीछे मत देख रेहान, मत देख पीछे, तुझे आगे बढ़ना है, आगे। अब नहीं। जितनी जल्दी हो सके रेहान को घर ले आओ, वरना तुम्हें अपने डैड को धीरे धीरे मरते हुए देखना पड़ेगा। आमिर, क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। वो हिकमत के कारण वापस आ जाएगी, जबकि हमने अभी अभी छुटकारा पाया है उससे। काश तुम्हें सिचुएशन की सीरियसनेस समझा सकती। हम अलग हो चुके हैं, अब सब खत्म हो चुका है। हम दोनों को अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ना चाहिए, मैच्योर लोगों की तरह सोचना चाहिए। अगर मैं उससे ये सब कहूंगा और कहूंगा कि वापस आ जाओ, तो वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपने डैड से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी मूवीज देख ली हैं क्या? तुम्हें लग रहा है मैं कोई एजेंट हूं? तुम पियानो बजा लेती हो, और वो भी इतना बढ़िया। तो बहुत अच्छा बजाती हो, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें यूरी की लैंग्वेज भी आती है,
जिससे यूरी तुमसे बहुत इंप्रेस हुआ था। मेरे देश में रहने वाले ज्यादातर लोग ये सब कर सकते हैं। अगर तुम्हारी एजुकेशन इतनी ही अच्छी है तो फिर तुम वेटर का काम क्यों कर रही थी? कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो। तुम शायद भूल गए हो। क्या भूल गया मैं? बताओ। तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट हूँ, इसलिए मेरे पास ज्यादा जॉब की चॉइस नहीं थी। तुम्हारी जिंदगी के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। खैर छोड़ो, तुम्हारी वजह से आज हमारे मेहमान बहुत खुश हुए। मैंने कहा हमारे मेहमान। हमारे मेहमान गवार आदमी। मैंने जो कहा है जरा उसके बारे में सोचो। तुम्हारे डैड की हालत खराब होती जा रही है, तुम्हें रेहान से बात करनी चाहिए वरना दिन ब दिन उनकी हालत और खराब हो जाएगी। सुहेला आंटी, आपने मेरे डैड के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने डैड को सबसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा, उनका इलाज करवाऊंगा। जरूर, हम वो सब करेंगे जो जरूरी है। इतना सब होने के बाद हम रेहान को दोबारा इस मैंशन में नहीं आने देंगे। डॉक्टर होने के नाते मैंने वार्न कर दिया है, अब बाकी तो आपकी मर्जी है। चलो जिमरे। पीठ में दर्द है ना? मैं संभाल लूंगा, इतना भी दर्द नहीं है। चलो ऊपर आ जाओ, आज रात मैं वहां सो जाती हूँ, तुम यहाँ सो जाओ। बिल्कुल नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं यहीं सोऊंगा। तुम्हें दर्द है और तुम यहाँ पर सोते रहे तो कल और प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा ना नहीं। मैंने कहा ना जिद मत करो। बिल्कुल नहीं, मैं किसी भी तरह से संभाल लूंगा, बस बहुत हुई बात है, सो जाओ, गुड नाइट। जो करना है करो, कल दिक्कत होगी तो मुझे मत कहना। मेरी बात सुनो, हम हमारे बीच में एक पिलो रख देंगे। मुझे पता है तुम आज वहां नहीं सो सकते और नींद ना आने पर तुम चिड़चिड़ा जाओगे। मैं नहीं चाहती कि कल तुम मायूस चेहरे के साथ उठो। मतलब जब तक मैं वहां नहीं सोऊंगा तुम मुंह बंद नहीं करोगे? शुरू हो गया तुम्हारा नखरा दिखाना। तुम क्या चाहती हो, चाकू भी अब मैं लेकर आऊं? शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल एहसानमंद नहीं हूं, बेशर्म की तरह मजाक उड़ा रहे हो। मैंने इसका मजाक कब उड़ाया?
ये पॉसिबल नहीं है। हमने वो सब किया जो मिस सुएला कह रही हैं, तो लोग क्या कहेंगे? हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर हमने हिकमत की देखभाल के लिए उसे बुलाया तो लोग कहेंगे कि हम इनकी देखभाल नहीं कर पा रहे। काफी देर हो चुकी है। आज का दिन मिस्टर हिकमत के लिए काफी मुश्किल भरा था। मैं इन्हें कमरे में ले जाऊं? हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो मैलिके, इन्हें ले जाओ। अब इनके लिए गेस्ट रूम के पास वाला कमरा तैयार कर दो। क्या हम इन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दें? नहीं नहीं, अगर ये अमीर के कमरे के पास रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैलिके, आज मैं बहुत डर गई थी। अगर आज रात हिकमत की हालत और बिगड़ गई तो अमीर इनकी मदद कर पाएगा, क्योंकि मैं खुद के बारे में तो कह ही नहीं सकती। मैं दवाइयां खाती हूँ तो मुझे काफी गहरी नींद आती है, और अगर मेरी वजह से हिकमत को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मॉम सही कह रही हैं। आप वही कीजिए जो मॉम कह रही हैं। मैं इनका ध्यान रखूंगा। जैसा आप चाहें, मैं जाके कमरा तैयार करती हूँ। मैं इन्हें लेकर आता हूँ। ये बात अच्छी हो गई। ये रहते हैं तो बदबू की वजह से मैं सो भी नहीं पाती। आपकी बस का टाइम 10:30 है ना? जी, सीट नंबर 9 है। देखिए, मुझे बस स्टेशन से फोन आया है कि गलती से आपकी सीट 2 लोगों के लिए बुक हो गई है और दूसरी सीट खाली नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मुझे आज रात ही जाना होगा। मैम, आपको गुस्सा होने का पूरा हक है। आप चाहें तो कल सुबह एक और बस है, उसमें सीट बुक करवा दूं। ठीक है, कर दीजिए। मैं यहाँ से जल्द जाना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। मुझे जाना होगा। इतने सालों बाद मैं एक अलग कमरे में सो रही हूं, पर ये इनके अच्छे के लिए है। अब ये आराम से सो पाएंगे, मेरी वजह से इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सरद, देखो तो इसे, अब भी सबको काबू करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुमसे नहीं डरती हिकमत, तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। मैं इन्हें दवाइयां दूंगा। आप थक गई होंगी, आप रेस्ट कीजिए। मैं यहाँ डैड के साथ थोड़ी देर और रुकूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं थक ही नहीं हूँ, मैं रुक सकती हूँ यहाँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। यू हैव अ गुड नाइट। ठीक है बेटा, गुड नाइट। इनका ख्याल रखना। काशी अपनी दवाइयाँ ले ले। गुड नाइट। Come on, Dad. अपना मुंह खोलिए। आपको दवाइयां लेनी होंगी, आपको ठीक होना होगा। डैड खोलिए, चलिए। डैड, मैंने जो कहा है जरा उसके बारे में सोचो। तुम्हारे डैड की हालत खराब होती जा रही है, तो मेरे यहां से बात करनी चाहिए।
वरना दिन ब दिन उनकी हालत और खराब हो जाएगी। डैड, क्या ये सही है? क्या आप खाना पीना सिर्फ इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो यहां नहीं है? क्या चाहते हैं आप कि मैं उसे यहां ले आऊं जो मुझे छोड़कर चली गई? मैं आपको ठीक करने और वापस चलाने के लिए सब कुछ करूंगा। आप बस मुझे उसे वापस लाने मत कहिए। डैड, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप ऐसे में उसका साथ मत दीजिए। मुझे एक बार फिर से तकलीफ में मत डालिए डैड। मैं ये नहीं चाहता डैड। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जो चाहे मांग ले, पर वो मत मांगिए। ठीक है, शायद मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूं और मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकता, पर यह पनिशमेंट बहुत ज्यादा है ना, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए आप सो जाइए, आज आप बहुत थक गए होंगे। ऊपर वाले, मुझे नींद ना आए। अगर मुझे नींद आ भी जाए तो मैं उसकी तरफ ना जाऊं और उसे टच भी ना करूं। मुझे एक बार फिर से शर्मिंदा नहीं होना है। बिल्कुल नहीं, अपनी आंखें खोलो, आज रात तुम्हें नहीं सोना। आप तो बस हमें दुआ दीजिए। वो कहते हैं ना कि हर चीज का एक कारण होता है और इसकी भी एक वजह है। सही कह रहे हैं। कल 1 बजे बस यहां से जाएगी। यहाँ आने से पहले नारिन से मिल नहीं पाई, शायद इसलिए ऐसा हुआ।
हाँ, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। वो कमजोर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से उन्हें स्ट्रोक आ सकता है और जल्द ही ये मेडिसिन भी काम नहीं करेंगी। सब खत्म हो चुका है। अब हमें तो मैच्योर लोगों की तरह बिहेव करना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं ऐसे में उसे घर आने के लिए कैसे कहूं? अगर वो आ भी जाती है तो काश मेरे डैड बात कर पाते। काश आप मुझे कुछ एडवाइस दे पाते और मैं भी आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता पाता। आखिर यही तो होता है ना एक बाप और बेटे का रिश्ता। हाँ आप मुझे छुए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मैं आपको ऐसी कंडीशन में देख भी तो नहीं सकता। प्लीज मुझे कहिए कि उसे लाना ही एक तरीका नहीं है। कैसे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं उससे कैसे कहूंगा कि वापस आ जाओ जो मुझसे प्यार ही नहीं करती? कभी नहीं डैड, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो मैं अपनी जिंदगी दे सकता हूं, पर उसे यहां लाने के लिए मत कहिएगा। मैं मसल को देख करके आता हूं। बेटा। मॉम, आप अभी तक जाग क्यों रही हैं? सोई क्यों नहीं? क्या आप बीमार हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। किचन में पानी लेने गई थी और तुम्हें यहाँ बैठा देखा तो तुम अब तक सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है। अहमीर, ऐसा मत करो बेटा, मुझे डर लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं नहीं चाहती कि तुम खुद को इस तरह सजा दो। मॉम मेरी चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ तुम डैड को लेकर बहुत परेशान हो। मेरी भी यही हालत है बेटा। उनकी मदद ना कर पाना, सच तो यह कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। यही सोचकर मैं पागल हो रहा हूं। अगर मेरे डैड मेरी जगह होते हैं तो वो रास्ता ढूंढ लेते, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो अमर, मेरी बात का यकीन करो।
और तुम्हारे डैड भी ये बात जानते हैं। अहमिर, मैं सोच रही थी कि अगर हम इनके लिए कोई देखभाल करने वाला ढूंढ ले जो इनका अच्छे से ख्याल रख सके तो हिकमत को इंपेशेंट ट्रीटमेंट। ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप मेरे डैड को दूसरे लोगों के हवाले कर देंगी? मैं ये बात दोबारा कभी नहीं सुनना चाहता। मेरे डैड मेरे घर पर ही रहेंगे, जहां उन्हें रहना है वहां रहेंगे, और हम उनका ख्याल रखेंगे, और खास तौर से मैं, चाहे मैं इसमें अकेला क्यों ना हूं। तो मुझे गलत समझ रहे हो अहमिर, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। तुमने सुना ना मिस सुवेला ने क्या कहा, वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। तुम दोनों के बीच इतना कुछ होने के बाद अभी इम्पॉसिबल है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा परेशान रहे, और अगर वो इस घर में आई तो फिर से वही सब होगा। और वैसे भी हम तुम्हारे डैड को ठीक करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अमिर। मुझे डैड को देखने जाना चाहिए, वो उठ गए होंगे। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अमिर उस गवार लड़की को यहां नहीं आने देगा, उसने सुवेला को भी मना कर दिया था। बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। लगता है मैं सही वक्त पर उठ गया।